गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 9 फलों का दरबार। हमने जो इस पाठ को है शुरू किया था और इसका अभ्यास कार्य हम देख रहे थे। आज जो है हम अभ्यास कार्य से सोच समझ की बात आज देखने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न है, चर्चा कीजिए कि तरबूज, पपीता, संतरा और खरबूजा खाने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो देखिए हमें कौन कौन से फल के बारे में बताया गया है, किस बात के लिए चर्चा करना है? तरबूज, पपीता, संतरा और खरबूजा, ये जो है इन फलों को खाने से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं, ये जो है आज हमें देखना है। तो देखिए पहले तो हम देखेंगे तरबूज के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? तरबूज जो होता है उसके खाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखिए तरबूज, तरबूज तो आपने सबने देखा होगा, वाटरमेलन है ना। तो देखिए तरबूज इस प्रकार होता है, ये फल है तरबूज का, देख रहे हैं ना। ये जो फल है, ये जो है फल तरबूज का फल है। जो तरबूज का फल होता है इसे खाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, तो देखिए इसके अंदर पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसको खाने से प्यास लगना कम होती है। सूखी खांसी में भी तरबूज खाना उपयोगी होता है। तरबूज कई बीमारियों को भी दूर करने में सहायक होता है और रक्तचाप को संतुलित कर रखता है। तरबूज में विटामिन ए, बी, सी तथा लौह भी प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिससे रक्त साफ होता है। देखिए तरबूज जो होता है इसके अंदर क्या है, हमें पोटेशियम मिलता है। जो पोटेशियम होता है वो भरपूर मात्रा में तरबूज के अंदर पाया जाता है। इस तरबूज खाने से जो है हमें प्यास नहीं लगती है, प्यास लगना कम हो जाता है। जो सूखी खांसी हमें आती है, सूखी खांसी में भी जो है तरबूज खाना क्या है, फायदेमंद होता है, उपयोगी होता है। और तरबूज खाने से जो है हमें कई प्रकार की जो बीमारियां होती है वो बीमारियां हमें नहीं होती है। और देखिए तरबूज से जो है हमारा रक्तचाप जो होता है वो भी क्या है, संतुलित रहता है। और जो तरबूज में जो है विटामिन ए, बी, सी और विटामिन क्या है, विटामिन ए, बी और सी, विटामिन ए, बी, सी, ए, बी, सी, विटामिन ए, बी, सी और लोह जो होता है वो भी क्या है, प्रचुर मात्रा में यानी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है इसमें पाया जाता है। और इससे जो है तरबूज खाने से जो है हमारा रक्त जो होता है, खून जो होता है वो क्या होता है, साफ होता है। अब आगे देखिए अगला फल, ये कौन सा फल है, पपाया यानी क्या, पपीता। पपीता का फल है ये। देखिए पपीता खाने से क्या क्या हमें लाभ होते हैं, जो पपीता होता है वो पपीता पाचन तंत्र को ठीक रखता है तथा पेट के विकारों को दूर करता है। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके पत्ते, बीज तथा फल सभी भागों का उपयोग लाभदायक होता है। विटामिन ए के अतिरिक्त पपीते में कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व पाया जाता है। पपीता नेत्र रोग में भी बहुत हितकारी होता है। इसके सेवन से रतौंधी, रात में न दिखाई देना दूर, ये जो रोग होता है ये रात में न दिखाई देने वाला जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं, रतौंधी। वो रोग इस पपीता खाने से क्या होता है,
यानी दूर होता है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। पपीता खाने से क्या क्या लाभ होता है? पपीता खाने से जो है हमें हमारा जो पाचन तंत्र है वो ठीक होता है और पेट के विकारों को दूर करने में भी पपीता काम में आता है और इसमें जो है विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके पत्ते बीज तथा फल सभी भागों का उपयोग लाभदायक होता है। देखिए पपीता के पत्ते बीज और फल सभी जो है लाभदायक है खाने के लिए। इसमें इनमें क्या है विटामिन ए के अतिरिक्त पपीते में कैल्शियम क्या क्या मिलता है कैल्शियम फास्फोरस लोह तत्व पाया जाता है। पपीता जो है खाने से जो है हमारी जो नेत्र ज्योति है इसमें भी क्या है नेत्र रोगों में भी क्या है वो हितकारी होता है और इसके खाने से जो है रतौंधी यानी रात में ना दिखाई देना ये जो रोग होता है ये भी रोग दूर होता है और पपीता खाने से जो है आंखों की रोशनी बढ़ती है। ये जो है पपीता खाने के फायदे हैं। अब आगे देखिए अगला फल है ये कौन सा फल है बताइए संतरा कौन सा है संतरे का फल है। देखिए संतरा खाना बहुत अच्छी बात है तो इसमें कौन कौन से फायदे होते हैं संतरा खाने से वो देखिए संतरा इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इससे अतिरिक्त लोहा और पोटेशियम भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसमें जो है पोटेशियम भी क्या है पर्याप्त मात्रा में होता है। संतरा खाने से शरीर स्वस्थ रहता है चुस्ती फूर्ति बढ़ती है तथा यह अनेक बीमारियों को दूर करने में भी सहायक होता है। देखिए संतरा जो होता है संतरा इसके अंदर जो है विटामिन सी विटामिन क्या है सी इसमें प्रचुर मात्रा में यानी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और इसके अलावा जो है लोह और पोटेशियम भी पर्याप्त मात्रा में होता है और संतरा खाने से जो है शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है चुस्ती रहती है फुर्ती आती है शरीर के अंदर और संतरा जो है अनेक बीमारियों को दूर करने में भी सहायक होता है। कौन संतरा तो देखिए ये है संतरा। अब अगला जो है फल वो है खरबूजा कौन सा फल है खरबूजा ये जो है फल खरबूजे का फल है। देखिए खरबूजा खाने से क्या क्या फायदे होते हैं हमें खरबूजा इसके अंदर प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट विटामिन ए सी लोह फास्फोरस तथा सोडियम आदि होते हैं जो विभिन्न तरह की बीमारियों को दूर करने में लाभकारी होते हैं। जो खरबूजा होता है खरबूजा शरीर में पानी की कमी को पूरा करके जो है पाचन शक्ति भी बढ़ाता है और आंखों की रोशनी भी बढ़ाता है। खरबूजा जो है इसके अंदर प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट विटामिन ए सी और लोह फास्फोरस तथा सोडियम ये जो है होते हैं और अलग अलग जो बीमारियां होती है उनको दूर करने में भी जो है खरबूजा फायदेमंद होता है। खरबूजा खाने से जो है शरीर के अंदर जो पानी की कमी है वो कमी भी जो है खरबूजा पूरा करता है और इससे जो है पाचन शक्ति भी बढ़ती है और आंखों की रोशनी के लिए भी जो है पपीता ये जो खरबूजा होता है ये खाना गुणकारी होता है। इस प्रकार से ये प्रश्न हमने देखा है। आगे देखिए अगला प्रश्न सोच समझ की बात का प्रश्न क्रमांक दो यदि हमें फलों और सब्जियों के खाने का सही ढंग मालूम हो तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करके कक्षा में चर्चा कीजिए। आपको जो है इसके ऊपर एक वीडियो भी आप बनाकर मुझे भेज सकते हो। आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है देखिए हमें जो फलों और सब्जियों के खाने का सही ढंग
मालूम होना चाहिए। हम सबको जो है फलों और सब्जियों का खाने का सही ढंग हमें मालूम है, हमने सीखा है इस पार्ट में, है ना, कि कौन से समय में कौन सा फल खाना चाहिए और फल खाने से पहले उसे धोना चाहिए, साफ करना चाहिए, ये सारी बातें हमने इस पार्ट में देखी है। तो आप जो है इंटरनेट से आपको क्या करना है, जानकारी प्राप्त करना है किस बारे में, कि जो फल जो होते हैं, फलों और सब्जियों को जो खाने के सही ढंग होते हैं वो मालूम हो तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हमें फलों और सब्जियों को खाने का सही ढंग मालूम हो तो हम क्या है बहुत से बीमारियों से बच सकते हैं। तो इस बारे में जो है हमें ढूंढ कर लिखना है, आपको जो है वीडियो भी बनाना है उसके ऊपर और मुझे भेजना है। इंटरनेट से सारी जानकारी आपको हासिल करनी है, प्राप्त करनी है। जैसा कि कौन कौन सी जानकारी प्राप्त करेंगे आप इंटरनेट से, फलों और सब्जियों को खाने का सही ढंग, क्या क्या टाइप करोगे आप मोबाइल पे इंटरनेट पर सर्च करने के लिए, ये टाइप करोगे फलों और सब्जियों को, सब्जियों के खाने का सही ढंग, फलों और सब्जियों के खाने का सही ढंग, इसके ऊपर जो है आपको सर्च करके इंटरनेट पे जो भी जानकारी आपको प्राप्त होगी उसका आपको जो है कक्षा में उसके बारे में चर्चा करनी है। यानी क्या है, आपको जो भी मालूम होगा वो आप ढूंढ कर जो है उसका वीडियो बनाएंगे कि कौन सा फल खाने से हमें क्या फायदा होता है। जैसा सेब खाने से क्या होता है, केला खाने से कौन सा फायदा होता है, उसके अंदर कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये सारी जानकारी जो जो आपको मिलती है वो उस वीडियो में आपको बताना है। आगे देखिए कुछ करने की बात, बच्चों इस एकांकी को अलग अलग फलों के मुखौटे पहनकर भी खेला जा सकता है। आप भी आम, अमरूद, केला, अंगूर, सेब के मुखौटे मोटे कागज या गत्ते काटकर बनाइए और उन्हें पहनकर इस एकांकी को कक्षा में अभिनीत कीजिए। ये जो है हमें नाटक लेना है, लेकिन आप यहाँ पर मौजूद नहीं हो इसलिए ये जो है आप जो है हम जब हमारा स्कूल चालू हो जाएगा तब हम देखेंगे इसे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक दो, दिए गए फलों के चित्र बनाइए और रंग भरिए। यहाँ पर किसके चित्र बनाना है, देखिए अनार और नाशपाती, इन दो फलों के चित्र हमें बनाना है। देखिए अनार कैसा होता है, देखिए आप सभी आपको मालूम होगा कि अनार जो होता है वो इस प्रकार होता है, ये जो है अनार का चित्र है, आपको अनार का चित्र बनाना है वहां पर और उसमें रंग भरना है, ठीक है। और दूसरा चित्र को किसका है, नाशपाती का, ये देखिए ये जो है नाशपाती है, ये नाशपाती का फल है, इसका भी आपको जो है चित्र बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से ये भाग हमने देखा है, इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।